हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जॉन लुइस के नीचे वाला जो सेक्शन है, सबसे फर्स्ट फ्लोर, इसमें घर के सामान यानी कि किचन से रिलेटेड सारे सामान हैं। बर्तन वर्तन और किचन टॉवल्स, काफ़ी तरीके के यूटेंसिल्स, बारबेक्यू, फर्नीचर, सब कुछ मिलता है। तो ये वाला सेक्शन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और ये जॉन लुइस जो है ऑक्सफोर्ड मॉल में है, वेस्टगेट मॉल के अंदर है। तो यहाँ पे कोई अगर आना चाहते हो, अगर आप लोगों को देखना हो तो आप देख सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलो मैं शेयर करती हूँ ये वाला फ्लोर क्या क्या मिलता है इसमें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नया आया हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ यूके में घर के सामान का प्राइस कितना होता है, सारे चीज़ें कितने कितने के मिलते हैं। बेलन मिलता है यहाँ पर भी, 10 पाउंड का है ये एक बेलन। ये वाला भी है, हाँ ये मुझे नहीं पता कितने का है, ये भी वैसे ही होगा आसपास। मेजरिंग कप्स है देखो, 10 पाउंड के। कुकी कटर 5 पाउंड का है ये वाला, ये 10 पाउंड का है। मेजरिंग स्पून 10 पाउंड, ये सब है। यूटेंसिल्स है, सारे ज़रूरत के सामान ही है। और यहाँ पर किचन स्केल वगैरह है, ये देखो, ये है 28.99 का छोटा सा स्केल टाइप का है। और यहाँ पर है ये बड़े बड़े वाले मिक्सिंग बोल्स जो है 30 पाउंड के, स्टील वाला, जिसमें सेट है, एक्चुअली तीन है, तीन सेट है। अच्छा है काफ़ी, 30 पाउंड में अगर तीन मिल रहा है, हैवी ये भी है तो अच्छा ही है। सो गाइस देखो, ये यहाँ पे फार्मर्स कॉटेज लिखा हुआ है, ओवल गार्डन हाउस, और इसका प्राइस आप देख सकते हो 13,995 पाउंड का है। गार्डन में रखने के लिए है, और इसके अंदर इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट है जिसमें खा सकते हो। विंडो, ये डोर है, हाँ ये बंद भी होता है, बारिश कितना भी है। हाँ तो यहाँ पे ये सारे बारबेक्यू से रिलेटेड ही है। और एक चीज़ और मुझे अच्छा लगा, जैसे ये नॉर्मल सोफ़ा जैसा है, गार्डन सोफ़ा, लेकिन इसके अंदर जो टेबल है इसी में बारबेक्यू है। ये देखो, इसमें आप बारबेक्यू कर सकते हो डायरेक्ट। ऊपर में ऐसा गाज़ीबो टाइप का लगा हुआ है। और इस साइड में देखो, ये काफ़ी सारे प्राइजेस भी देख सकते हो। ये काफ़ी बड़ा साइज़ का है, 127 पाउंड का है ये। ये सेम मेरे पास है लेकिन छोटा वर्शन है इसका। हाँ ये गैस का है। हाँ ये वाला गैस है, ये अच्छा है। और ये भी गैस का है, ये भी गैस का है, गैस कनेक्शन वाला है। और इसका प्राइस भी है 149 पाउंड का, क्योंकि गैस बारबेक्यू है। और बारबेक्यू रिलेटेड ये सारे यूटेंसिल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो ये 5 पाउंड का है, ये सब 5, 10, 15 ऐसे ही है। इस साइड भी है, हाँ ये है बारबेक्यू के सारे सामान, अस्त्र शस्त्र रखने के आइटम। ये देखो, और इसका प्राइस 49 पाउंड का है। देखो तो ये नीचे वाला जो सेक्शन है ये सारा ऐसा ही है, किचन यूटेंसिल्स और सेट्स है सारे, कटलरी है, सब कुछ है ऐसा। ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, देखो 50 पाउंड का ही है, मस्त लग रहा है। देखो ये 8 पाउंड के हैं, छोटे छोटे से सर्विंग वाले, अच्छा है छोटा सा। किसनी ग्रेटर 16 पाउंड का है ये, ये छोटा वाला भी है 1250 का। ये वाला बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, ये 15 पाउंड का। देखो ये सारे, ये पूरा सेट है 15 पाउंड में, ये काफ़ी अच्छा है। केक टिन्स है यहाँ पे, देखो ये छोटा वाला है 12 पाउंड का, 1250। छोटू वाला, एकदम छोटा वाला है ये वाला, 8 पाउंड का। अब चलते हैं उस साइड, देखो उस साइड में ये पूरा चिपका के रखे हैं ग्लास। Thank you.
ये देखो ये वाला कितना प्यारा लग रहा है छोटा सा, फिर तू टच करो ना तुम्हें। देखो ये केक का, केक डेकोरेशन करने का, केक इसके ऊपर रख के आप सर्व कर सकते हो। कप्स के कलेक्शंस, ये देखो ये छोटे वाले कप्स कितने प्यारे लग रहे हैं ना, एकदम छोटू सा कप है, 16 pound का सेट है ये देखो, ये पूरा स्टैंड के साथ। तो ये सारे देखो, ये कॉफ़ी ब्रू करने का 44 pound का है ये बड़ा वाला, छोटू वाला लेना है तो 10 pound का आएगा। इस साइड में सारे ये कॉफ़ी मशीन्स हैं, तो कॉफ़ी मशीन के भी मैं प्राइस दिखा देती हूँ। ये देखो ये देखो, ये है फूड प्रोसेसर, नहीं जूसर है, 159 का। ये देखो ये छोटा वाला जूसर 32.99 का है, ये 84 का है ये वाला। तो इस साइड में ये सारे जूसर ही है लग रहा है, और ये डो मेकर है, डो बनाने का, आटा गूंदने का। ये देखो इस साइड में है ये क्या बोलूँ, नाम भूल गई इसका मैं, वैक्यूम क्लीनर। ये है सारे वैक्यूम क्लीनर, छोटे वाले हैं, बड़े वाले हैं, प्राइजेस भी देख सकते हो, सबका प्राइस भी लिखा हुआ है अलग अलग। ये भी नीचे भी है, ये शायद मेरे ख्याल से कारपेट क्लीनर होगा क्या, ये नीचे वाले, ये भी कारपेट क्लीनर होगा। ओके तो यहाँ पे ये सारे ऐसे है, और ये देखो ये फ़ैन भी रखे हैं, छोटे छोटे वाले फ़ैन, 22 pound के हैं ये, एकदम छोटे हैं। ये देखो एकदम छोटे साइज़ का है, ये थोड़ा सा बड़ा है, 75 pound का, देखो 89.95। फिंगरप्रिंट प्रूफ है ये, इसमें जल्दी शौकम या सो। इधर है बाकी ये सारे यूटेंसिल्स, ये देखो इसमें आप ऐसे रख सकते हो, नाइफ ऑर्गेनाइजर, ये सारे ऑर्गेनाइजर ही है अलग अलग। पर है वॉशिंग मशीन, ये देखो ये सारे वॉशिंग मशीन, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम का सेक्शन है। फ्रिज है उस साइड में, इधर भी है वॉशिंग मशीन, तो इस साइड नहीं जाते हैं आज। तो देखो ये 6 burner गैस ओवन, ये वाला देखो ये बहुत जायंट है एकदम, कितने सारे हैं देखो इसमें, प्राइस इसका देखो 3039 pound, और ये वाला है 4279। इस साइड सारे बेड्स, बेडिंग्स वगैरह, देखो स्ट्रॉबेरी प्लेट, देखो ये छोटा सा कुछ चटनी सॉस या कुछ इस टाइप का कुछ भी रख सकते हैं एक्चुअली इसमें, ये अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला। देखो ये 11 pound का ये, ₹40% डिस्काउंट में है, काफ़ी हेवी है, काफ़ी हेवी है, सॉल्ट एंड पेपर का है ये, 36 pound।
यहाँ पर है ये सारे पैंस स्टेनलेस स्टील के हैं और साइज़ भी है वैसे ही 28 सेंटीमीटर और इस टाइप का ही है, ये वाला 28 का है, देखो 28 सेंटीमीटर का। ये देखो ये वाला कितना अच्छा लग रहा है, 3 टायर है सर, स्टीमर है मोमो वगैरह स्टीम करने का या वेजिटेबल स्टीम करने का। टेफल का है, टेफल अच्छा होता है, मेरे पास टेफल के हैं तो मुझे अच्छा लगता है, 30 सेंटीमीटर का ये। हाँ ये मेरे पास है मेरे पास, ये 28 सेंटीमीटर का है। किचन टॉवल्स और ये सब है, माइक्रोवेव ओवन वाला ग्लव्स, चॉपिंग बोर्ड देखो छोटा बड़ा इस टाइप का, ये वाला 8 पाउंड का है देखो, ये ग्लास का है। ये वाला एक मुझे लेना है ब्रेड रखने का, स्टील का है, ये स्टिक किया हुआ है इसलिए खोल ले रहा है, यहाँ से दिखा दो। ये देखो ये सारे नाइफ्स के सेट है 16 पाउंड और सबका। सो गाइज आई होप कि आज का ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैंने जॉन लुइस का टूर दिया नीचे वाला फ्लोर जिसमें घर के सारे सामान हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके घूमने में, लो चाहे ना लो लेकिन घूमने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने आज के इस वीडियो में शेयर किया, अगर आप लोगों को आना हो थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को लग जाएगा कि कैसे कैसे सामान मिलते हैं, सामान तो बहुत नो डाउट बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा हाँ कॉस्टली अगर आप बाकी जगह से कंपेयर करो तो मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगता है जैसे आइकिया वगैरह से कंपेयर करो तो, लेकिन ठीक है आप ले सकते हो शॉपिंग कर सकते हो। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।